नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चलिए देख लेते हैं कि आज मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। अधिकतर एशियन मार्केट्स तो आज बंद हैं, चाइनीज मार्केट्स कल खुलेंगे दो दिन की छुट्टियों के बाद। लेकिन एसडीएक्स निफ्टी पर नजर डाले तो 90-100 अंकों की स्ट्रेंथ हमने यहां बनते हुए देखी है। कल हमारे मार्केट्स के साथ साथ यहां पर भी स्ट्रेंथ दिखी और आज सुबह भी वो हरे निशान वाला मोमेंटम काबिज है। निकेय की बात करें तो यहां पर हमने फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड बनता हुआ देखा है। फिलहाल हम देख रहे हैं 17 अंकों की हल्की कमजोरी नजर आ रही है। डाउ नैसडैक फ्यूचर्स की बात करें तो मिला जुला सा सेंटिमेंट हमने आज यहां बनते हुए देखा है। अब ऑफकोर्स हम देख रहे हैं नैसडैक जो कि कुछ समय पहले तक सपाट ट्रेड कर रहा था, 18 अंकों की कमजोरी वहां और 45-46 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। कच्चा तेल एक बार फिर से थोड़ी चिंता का सबब बन सकता है क्योंकि कल हमने इसमें निचले स्तरों से रिकवरी देखी और आज भी $110 के पार हम इस पास इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। तो क्या कुछ संकेत आए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, कमोडिटी बाजार के परिपेक्ष में क्या कुछ हुआ है, कहां रखनी है नजर, पूरी ग्लोबल अपडेट लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं अहम, क्या कुछ हुआ है और आज कहां नजर रखनी है? देखिए, डेवलपमेंट्स तो ठीक ठाक है। अगर आप बाजार की बात करें तो कोई ऐसा संकेत या कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक दो चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, इनफैक्ट जिसकी वजह से बाजार में एक्शन बना रहेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एसजेक्स निफ्टी 0.5% आपको ऊपर दिख रहा है, लगभग 90 पॉइंट्स की तेजी है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक एक्शन है कल के एक्शन के बाद। जापान के बाजार कल ज्यादा ऊपर थे इसलिए इस समय आपको एकदम सपाट दिख रहा है। जैसे आपने बताया, चीन, हांगकांग, ताइवान तो आज बंद ही है। पर कल शाम अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन देखा। डाउ लगभग 100 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ और आईटी शेयर्स में जो दमदार खरीदारी रही है उसकी वजह से हमने देखा कि बाजारों में बहुत ही बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। 1.9% की तेजी आपने नैस्डैक में आती हुई देखी है। सभी दिग्गज आईटी शेयर से सहारा था ट्विटर, जो कि लार्ज कैप आईटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है। उसके शेयर में एक दिन में 27% का उछाल आपने आते हुए देखा। तो जैसे हमारे बाजारों में कल बड़ी डील की वजह से बड़ा एक्शन था, वैसे ही अमेरिकी बाजारों में कल बड़ी डील की वजह से बड़ा एक्शन था। इलॉन मस्क के साहब के सामने से डिस्क्लोजर आया है कि उनकी ट्विटर में 9.25% की हिस्सेदारी है और जब ये डिस्क्लोजर आया तो आपने देखा कि शेयर में बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। इनफैक्ट सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ट्विटर के इलॉन मस्क साहब इस समय है। तो वहां से बाजार में ऑप्टिमिज्म आया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर ट्विटर में शेयर होल्डिंग कर रहा है तो आगे क्या प्लान्स होंगे उनकी कंपनी को लेकर। रिसेंटली ट्विटर के जो फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने कंपनी से इस्तीफा देकर एक अलग कंपनी में वो चले गए। तो ट्विटर के अब इलॉन मस्क साहब जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए हैं, क्या वो उनके प्लान्स होंगे आगे जाकर, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके दम पर हमने देखा कि काफी बड़ी तेजी ट्विटर में नहीं आई बल्कि जो बाकी सोशल मीडिया के शेयर है, स्नैपचैट हो गया, मेटा हो गया, यहां पर भी आपने बड़ा एक्शन बनते हुए देखा। इसके अलावा टेस्ला के शेयर में कल 5% की तेजी थी, उनकी रिकॉर्ड डिलीवरीज रही हैं। एप्पल भी 1% ऊपर था। तो इस एरिया से बाजार को दमदार सहारा आपको कल मिलते हुए दिखा है। एनर्जी और बैंक्स, यहां पर आपने सुस्ती बनती हुई देखी, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील 2.4% के नीचे आ गई है। दूसरी बार यह है कि बॉन्ड डील इन्वर्जन हुआ है, उल्टी है। तो 10 साल की बॉन्ड डील अब 2 साल की बॉन्ड डील से कम है, उसके नीचे आ गई है, दोबारा ये उल्टी है। तो एक जो मंदी का इंडिकेटर है या थोड़ा डर है उसकी वजह से गेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही, बट इस पर ज्यादा बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। ज्यादा रिएक्शन आईटी शेयर्स में ही आपको आते हुए दिखा है। बाकी एक्शन की बात करें तो यूरोप में हल्की बढ़त देखी। कच्चा तेल जैसे आप बता रही थी, एक बार फिर से बड़ा रिबाउंड यहां पर कल आपने आते हुए देखा है। 110 के करीब ब्रेंट पहुंचा था, फिलहाल 108-109 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जो तेल का ये उछाल है इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। रशिया यूक्रेन की अगर आप बात करें तो जैसे जैसे अब रूसी सेना कुछ क्षेत्रों से वापस जा रही है, पीछे हट रही है, वहां से जो निकल कर आ रहा है वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वहां पर हमलेबाजी करी है, गोलीबारी करी है, सिविलियन डेथ्स काफी हुई हैं, वॉर क्राइम्स का एक्विजिशन लग रहा है। इसके दम पर अब ये माना जा रहा है कि पश्चिमी देश कुछ और सैंक्शंस या और कड़े प्रतिबंध रशिया पर लगा सकते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने चाहिए। तो शायद उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि कमोडिटी बाजार में फिर से बड़ा एक्शन होते हुए दिखा है। स्पेशली कच्चे तेल में तेजी रही, सऊदी अरामको ने अपने दाम बढ़ाए हैं तो उसका भी आपने इंपैक्ट आते हुए देखा। तो ओवरऑल तेल एक चिंता का विषय बन रहा है, बट अदरवाइज मार्केट्स के संकेत ठीक ठाक ही हैं इस समय, इनफैक्ट अच्छे ही हैं अगर आप कल का एक्शन देखें। इनफैक्ट तेल के साथ साथ कॉटन, शुगर, सब खाने के तेल, तिलहन, उसमें भी हमने देखा कि जितना भी प्रेशर कूल ऑफ आया था वहां पर भी निचले स्तरों से ग्लोबल मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है। तो फूड इन्फ्लेशन भी होगा जहां नजर रखने की जरूरत है। बहरहाल
शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। हाल फिलहाल में एफआईआई की खरीद ने बाजार को और पार्टिसिपेंट्स को खुश किया है और कुछ वैसे ही नंबर 1150 करोड़ के पास की खरीदारी हमने कैश स्पेस में एफआईआई की तरफ से देखी है। डीआईआई ने भी साथ दिया है, 1675 करोड़ की खरीदारी वहां पर भी, और एफएनओ स्पेस में भी हरे निशान के नंबर्स, तकरीबन 4400 करोड़ के आसपास की खरीद हमने एफएनओ में एफआईआई की तरफ से बनती देखी है। तो कह सकते हैं खराब संकेत नहीं है, टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव संकेत है। इन सब के बीच में हमारे मार्केट में क्या कल की मजबूती, कल की स्ट्रेंथ का जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा, ये जानते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, सोमवार की सुपर्ब स्ट्रेंथ के बाद क्या लग रहा है, टेरिफिक ट्यूसडे हमें फिर से रेप्लिकेट होता दिखेगा, क्या किया जाए सर? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए माहौल तो पूरा तेजी का है, इसमें कोई डाउट नहीं, और अभी भी आज भी शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतर है। देखिए अमेरिका में भरपूर तेजी हुई है, बढ़िया मार्केट्स वहां के प्रदर्शन दिखा रहे हैं। उसके अलावा हमारे मार्केट्स कल जिस तरह से 18,000 के ऊपर बंद हुए हैं वो तगड़ा एक्शन है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी फ्रेश खरीदारी भी आती हुई दिख रही है, एफआईआई के आंकड़े अच्छे हैं, घरेलू फंड्स ने भी खरीदारी की है, और आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है कि दोनों ही तरह के फंड्स की ज्यादा खरीदारी हो और उसके साथ ही बाजार बहुत बढ़िया बंद होते हुए नजर आए। तो इन सारे फैक्टर्स के दम पर हम आज और बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे, राउंड पूरा सेट है। यहाँ पर अब तुरंत प्रभाव से जो सपोर्ट का काम करेगा वो 17,700 17,800, हालांकि आपको थोड़ा दूर नजर आएगा यहाँ से, लेकिन जिस तरह का कल बड़ा उछाल आया है, जिस रेंज से निकले हम, अब 17,800 आपके लिए बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। हाँ, तुरंत दिन के लिए अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 18,000 होगा, 18,000 के नीचे जाने पर ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा और गैप से खुलने के बाद 18,000 आपके लिए बेस बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ आप 18,200 18,300 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकते हैं और वहां से फिर देखेंगे कितने फॉलो अप बाइंग वगैरह और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,600 के ऊपर कल बंद होता हुआ नजर आया, बहुत बड़ी उछाल दिखी है। अब जो बैंक निफ्टी के लिए आज सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 38,050 से लेकर 38,225 की रेंज, ये मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर और आसानी से टूटने वाली है नहीं। ऊपर में 39,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 38,875 39,025 एक बार इसे पार करेंगे तो और शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती दिखेगी, अदरवाइज ऊपर के लिए एक बार ये टारगेट बैंक निफ्टी के बनते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल खरीदारी के रुझान के साथ चलना चाहिए, ऐसा लग रहा है अब से लेकर गुरुवार तक इस मंथ वीकली एक्सपायरी तक बाजार में लगातार निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, तो अगर दिन के दौरान गैप से खुलने के बाद कोई डिप मिलती है वहां पर भी खरीदारी करनी चाहिए। और एक और चीज जो दिख रही है वो ये है कि धीमे धीमे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो पूरा फोकस वहां पर भी रखा जा सकता है। तो ओवरऑल तेजी के रुझान के साथ बाजार में उतरना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, एक बहुत ही बेहतरीन हफ्ता ये साबित होता हुआ दिख रहा है। कोई भी डिप, कोई भी गैप मिले वो खरीद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अनिल सर ने कहा, निफ्टी में लेवल्स आज 17,700 800 ये आज एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। 18,000 के लेवल पर तो ऑफकोर्स हमारी नजर रहेगी, अपसाइड 18,200 से 300 ये लेवल्स ऊपरी रेंज का आज काम करने वाले। वही बैंक निफ्टी में 38,050 38,225 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा और अपर साइड में 38,875 और 39,025 ये एक अपर बैंड होगी और 39,000 का लेवल टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी आज नजर आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट बिल्कुल तैयार है हमारी। किन खबरों, किन स्टॉक्स में खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा, पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से ट्रिगर्स पर हमारे मार्केट में नजर रखनी है, ऑफ कोर्स कमाई का मौका किन स्टॉक्स में मिलेगा? बिल्कुल, सबसे पहले ट्रिगर्स में आपको ध्यान रखना होगा विप्रो पे, जहां पर एक्स डेट है, वो डिविडेंड जो 5 रुपए का दिया गया था। कुछ सिक्योरिटीज है शॉर्टलिस्ट हुई थी जो एएसएम में शॉर्टलिस्टेड है, जिसमें अडानी पावर है, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, और कुछ सिक्योरिटीज जो शॉर्ट टर्म एएसएम में है जो आंध्रा पेपर है। अब कुछ स्क्रिप्ट में जिसमें चेंज इन प्राइस बैंड हुआ है, जिसमें फ्रॉम 5% to 20% है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, और अगर 20% to 10% में है एसएमएल इसुजू। अब आईपीओ की बात, हरियम आईपीओ जिसका आज आखिरी दिन है और आईपीओ कुल 3.44 गुना बढ़ा है, जिसमें क्यूआईबी 0.8 टाइम्स, एनआईआई 1.9 टाइम्स और रिटेल है 7.2 टाइम्स।
अब खबरों की बात आ जाती है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज पे, जिस पर रिपोर्ट्स है कि CA रोवर ब्लॉक डील के जरिए अपनी पूरी 3% हिस्सेदारी बेच सकती है और ये 3% हिस्सेदारी वो 851.50 से 876.75 के भाव तक, जो मौजूदा भाव से 0 से 3% डिस्काउंट पर है, उस पर बेचेगी और टोटल 2.91 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे। जोमेटो पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है, जिसमें CCI ने जोमेटो स्विगी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और जोमेटो स्विगी पर कॉम्पिटिशन लॉ का उल्लंघन का आरोप है और डायरेक्टर जनरल ने इसके चलते 60 दिन के अंदर वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसी के साथ जोमेटो स्विगी के काम के तरीकों पर भी जांच के आदेश दिए हैं और जोमेटो स्विगी पर इस्तेमाल करने के लिए जो भी वो जैसे प्रोसेस बिजनेस करते हैं उस पर भी जांच की जाएगी। और ये जी बिजनेस ने आपको एक खबर 21 फरवरी को दी थी। अब कुछ मेरे पास बिजनेस अपडेट्स हैं, जिसमें बजाज फाइनेंस है, जिसमें Q4 FY22 के अपडेट्स आए हैं, जिसमें YOY आधार पर न्यू लोन बुक्ड उसमें 14.6% की बढ़ोतरी हुई है और अगर मैं FY22 का पूरा देखूं तो वो अगर टोटल जो बढ़ोतरी हुई है वो है 46.2%, और अगर जो AUM आया है 31 मार्च 2022 को वो लगभग 29.1% बढ़कर आया है, जो कि 1.9 लाख करोड़ है। फेडरल बैंक में भी अपडेट आया है, जिसमें कासा 15% बढ़कर आया है, डिपॉजिट्स 5.3% बढ़कर आए हैं और 31 मार्च तक जो ग्रॉस एडवांसेस थे वो 9.5% बढ़कर आए हैं। इंडस्ट्रियल बैंक में भी वहां पर अपडेट्स हैं, जिसमें 31 मार्च तक एडवांसेस जो हैं वो 13% बढ़कर आए हैं और डिपॉजिट्स जो हैं वो 15% बढ़कर आए हैं, और साथ में अगर कासा को देखे जाए तो वो 14.8% से बढ़कर 42.8% आया है। हिंदुस्तान जिंक पर भी अपडेट है, जिसमें Q4 FY22 के प्रोडक्शन नंबर्स आए हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो माइंड मेटल है उसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है, जो 3% बढ़ोतरी के बाद 2.95 लाख टन आया है। इंटीग्रेटेड अगर सेलेबल मेटल देखेंगे आप तो उसमें भी 2% की बढ़ोतरी हुई है, और जो सिल्वर इंटीग्रेटेड है हालांकि उसमें हमने थोड़ा दबाव देखा है, उसका प्रोडक्शन में 20% की कमी आई है। वेदांता पर भी अपडेट है, जिसमें Q4 में एल्यूमिनियम उत्पादन में 8% बढ़कर 5.72 लाख टन आया है। अगर मोइल पे बात करें उस पर भी अपडेट है, जिसमें कंपनी ने FY22 में मैग्नीज ओर का अभी तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और बिक्री का आंकड़ा दिया है। अगर टर्नओवर जो प्रोविजनल है वो 1436 करोड़ आया है और YOY आधार पर वो 22% बढ़कर आया है और प्रोडक्शन 3 लाख MT और सेल्स जो है वो 12.12 लाख MT आई है। लास्ट में अंत में है BEML, जिसमें FY22 के लिए कंपनी ने 4000 करोड़ से अधिक के ऑपरेशन के रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज करे हैं। ओके, चलिए अरमान, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अरमान ने आपको बताया कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन रहेगा, ना ऑफ कोर्स कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस अपडेट आए थे जिनकी जानकारी भी अरमान ने रखी आपके सामने। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से कौन सी आ रही है। चॉइस ब्रोकिंग एक्साइड खरीदारी की रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस 156 का, टारगेट 164 के पास रखने की सलाह है। अनराठी सिक्योरिटीज वोल्टास खरीदने की रिकमेंडेशन आज दे रहे हैं, 1250 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट इस स्ट्रेटेजी के लिए 1325 रुपए का है। सेंट्रम ब्रोकिंग LNT पर आज ये दाव लगाने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 1865 का टारगेट है और इस स्ट्रेटेजी के लिए 1805 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। वहीं इनकी तरफ से SBI पर भी आज रिकमेंडेशन आ रही है, स्टॉप लॉस 504 और टारगेट 530 रुपए का बनकर आ रहा है। चलिए आज के मार्केट में क्या कल जैसे ही मूड मिजाज देखने को मिलेगा, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है और किन शेयरों में आज कमाई करने का मौका मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, क्या लगता है आशीष जी आज इंडाइसेस वाइज क्या अक्रॉस द बोर्ड हम वही स्ट्रेंथ देखेंगे जो हमने कल देखी, या कुछ चुनिंदा ऐसी जगह है जहां पर आप खासतौर से फोकस करके चलेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग, देखिए मैं मानता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड ही देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हमें कुछ एनर्जी स्टॉक्स है या फिर सीमेंट स्टॉक में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने जो दो स्टॉक्स चुने हैं वो इन्हीं सेक्टर को लेके चलते चुने हैं। मेरा पहला जो स्टॉक रहेगा नेहा जी वो रहेगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में मैं मानता हूँ खरीदारी करके चलना चाहिए फ्यूचर में, कल का कुछ करीबन 313 के आसपास है, यहीं के आसपास खरीदारी करने के मिलो तो बेहतरीन एंट्री पॉइंट रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 309 रुपए का, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा वो 319 रुपए का रहेगा, दूसरा लक्ष्य रहेगा 322 का। तो मेरा पहला जो स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है IEX। कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह का ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खरीदारी करने की सलाह होगी फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस 237 का लगाएंगे, पहला लक्ष्य रहेगा 245 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 248 का।
चलिए, ये तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात हो गई। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपका क्या व्यू बन रहा है? कल तो अच्छी खासी कमाई का मौका मिला, आज वो कौन सी रेंजेस होंगी या क्या रणनीति हो सकती है जिसमें इन दोनों इंडाइसेस में कमाई का मौका मिले? देखिए, मैं मानता हूँ कि निफ्टी में एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। ये तो हमें एक रेजिस्टेंस लेवल इसमें दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूँ कि वो रेजिस्टेंस पे भाग जाने की संभावना दिखाई दे रही है, और 18,150 ये लेवल है। अगर ये लेवल निकल जाता है तो मैं मानता हूँ 18,220-18,250 तक भी जाने की संभावना निफ्टी के ऊपर दिखाई दे रही है। तो 18,150 के लेवल के ऊपर निकलते ही एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, ओपनिंग के हिसाब से हमें देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। जब तक हम 38,100 के ऊपर है, मैं मानता हूँ बुलिशनेस जारी ही रह सकता है। और अगला जो लेवल चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है वो है 39,300, जो अभी अगले एक से दो तीन मतलब इस हफ्ते में टेस्ट होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ओके, आपने वैसे चुनिंदा सेक्टर्स के बारे में तो आशीष जी बता दिया, मैं आईटी सेक्टर के बारे में आपसे जानना चाह रही थी। वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लगातार पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं रुपया रेजिलियंस दिखा रहा है, 76 का लेवल नीचे तोड़ा, वो भी तब जब डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिखा रहा था। कच्चे तेल में गिरावट के दम पर इसने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। मैं ही आपसे समझना चाह रही थी कि आईटी स्पेस में किस तरह के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी स्पेस में भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है, जो लीडर स्टॉक्स है अगर उनकी तरफ हम देखते हैं तो उनमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो एंट्री करने की मेरी सलाह होगी। एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें एक ब्रेकआउट मिलने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, और स्टॉक का नाम है माइंडट्री। माइंडट्री की अगर बात करें तो कल का क्लोज करीबन 4315 के आसपास है, यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिलेगा करीबन 4350 के ऊपर। जैसे ये स्टॉक 4350 के ऊपर निकलेगा, मैं मानता हूँ कि 4450 तक के लेवल, 4450-4500 के लेवल हमें स्टॉक में आते हुए हम देख पाएंगे, तो एक अच्छा खासा एंट्री लेवल हमें मिल सकता है माइंट्री में आज के सेशन में। अगर हम 4350 के ऊपर निकलते हैं तो खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, आशीष जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से बताने के लिए कि सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज, इंडेक्स वाइज कहां कहां आज नजर रखनी और कमाई का मौका मिल सकता है। ये बात तो हो गई इक्विटी मार्केट की, अब फोकस हम कमोडिटी बाजार पर करते हैं और इस पर धमाकेदार रणनीति लेकर हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। अजय जी सबसे पहले तो मैं आपसे कच्चे तेल पर ही व्यू जानना चाहूंगी क्योंकि पिछले हफ्ते तो हमने देखा 11-13% वीकली सेट ऑफ आया जो कि 2 साल में इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, लेकिन फिर से एक बाउंस बैक दिख रहा है, कैसे मौके आप अब बनते हुए देख रहे हैं? वापस से 8,000-8,500 ऐसे कोई लेवल्स टेस्ट करते हुए MCX पे कच्चा तेल आपको दिख रहा है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो ये युद्ध का जो कंसर्न है वो लंबा चलने वाला, बीच बीच में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व रिलीज करने की बात होती है, प्राइसेस में करेक्शन आता है, बट ये टेम्पररी फिनोमिना रहेगा। ओवरऑल मुझे लगता है जब तक ये युद्ध का नतीजा और ये सप्लाई की क्लैरिटी नहीं बनेगी तो मे बी पॉसिबल, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें क्योंकि यहाँ पे अब रुपया वापस पिंच करने लग गया है तो रुपये की गिरावट के चलते 8,000 का लेवल तो जल्द दिखा देगा। आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज लगता है 7700 के करीब मिले तो लेके चलिए 7580 का स्टॉप लॉस रखिए। प्राइसेस अपसाइड में 7820 से लेकर 7980 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ये बात तो हो गई कच्चे तेल की, मुझे ये बताइए गोल्ड, हमने कहा $1,950 का लेवल बनते हुए देखा, थोड़ा कूल ऑफ हुआ लेकिन कहीं ना कहीं इसने अपने आप को 1930-40 के आसपास ना टिका के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो सेफ हेवन अपील पूरी तरह से इसे स्ट्रिप ऑफ नहीं हुई है क्योंकि हम एक बार फिर से रशिया पे वो प्रतिबंध वाली संभावना या आशंका बनते देख रहे हैं। क्या ये खरीद का इंडिकेशन है आज जो करेक्शन दिख रहा है, डिप दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखिए डॉलर टर्म्स में अगर देखें तो 1920 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 1950 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स भी काफी स्टेबल है और साथ में फेड मिनट्स भी आने हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल आउट हो। एक चीज ये चीज क्लियर है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक का एक डर बना हुआ था वो अब गोल्ड ने पूरी तरह से ऑफसेट कर चुका है। जियो पॉलिटिकल टेंशन और साथ में इन्फ्लेशन कंसर्न जो रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है जो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। बट आई भी मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में, उसी दायरे को देखते हुए 51,300-350 के करीब गोल्ड को लेके चलिए क्योंकि बड़ी तेजी 52,200 का जो डबल टॉप बनाया हुआ है उसके ऊपर ही बनता है। तो 51,350 पे लेके चलिए, जंप रहेगा बट लिमिटेड रहेगा जो 51,600 से 51,800 तक का रह सकता है। ओके, और चांदी उसमें भी कन्विक्शन खरीद का है?
चांदी में ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि जिस दिन से बेस मेटल की रैली हमने पिछले दो महीनों में देखी है उतना चांदी में जंप अप नहीं आया। प्राइजेस काफी $24 के करीब का सपोर्ट ले रहा है, 25-26 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो कंसोलिडेशन जोन में है। M6 में मुझे लगता है 66,000 का इज गुड टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म आल्सो फॉर टुडे आल्सो। जो अप साइड में मुझे लगता है 66,800 से 67,500 का आज का टारगेट रहेगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से खरीदी करके चलनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि मेटल यहाँ पर कैसा रुझान बन रहा है, क्योंकि निकल एल्युमिनियम इन्होंने तो अपना रनअप भी दिखा दिया, उसके बाद कूल ऑफ भी दिखा दिया, कोई और मेटल है? क्योंकि कॉपर को चढ़ते हमने देखा है लेकिन उस अनुपात में नहीं जितनी तेजी से जिंक एल्युमिनियम खासतौर से निकल चढ़ा है। देखिए अगर हम जिंक की बात करें तो हमने इन्वेंट्रीज काफी मल्टीपल ईयर लो पे आते हुए देखी, सप्लाई साइड कंसर्न भी है, पावर आउटेजेस की वजह से एल्युमिनियम पहले से ही तेजी दिखा रहा था, साथ में यूक्रेन वाला जो कंसर्न या ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्साइट का जो एक्सपोर्ट बैन किया था, ये सब फैक्टर थे जो सपोर्ट कर गया। टाइमिंग चाइना मार्केट हॉलीडे पे और हमने मूड पहले ही देख लिया कि चाइना कंटिन्यू इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी पंपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि कॉपर एक दायरे में जरूर टिका हुआ है, बट कहीं ना कहीं कॉपर अगर 820-830 के ऊपर निकल जाता है तो एक बड़ी तेजी के लिए तैयारी, बट अभी टाइमिंग एक रेंज में है जो 819 से लिया जा सकता है, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 826-830 का लेवल रहेगा। ओके इसी बीच हम आपको बता दें कि खाने के तेल की जो जमाखोरी है उस पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है, जमाखोरों पर कार्रवाई के लिए सरकार ने 8 टीमें बनाई हैं। ये टीमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, MP समेत देश के अलग अलग राज्यों में 30 अप्रैल तक छापेमारी करती रहेगी। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से खाने के तेल तिलहन की कीमतें हमने रिकॉर्ड स्तर पर मल्टी ईयर हाइस पर देखी, उसका असर हमारे मार्केट्स पे भी पड़ा है क्योंकि प्राइमरीली हम अपनी जो जरूरत है उसका 70-75% है, 80% है वो इंपोर्ट करते हैं, तो इसी कारण से हम देखते हैं कि खाने के तेल की कीमतों में तेजी आई है। जमाखोरी की जो खबर निकल कर आई है उसके खिलाफ अब सीधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर है, वो कूद पड़ा है और छापेमारी का ये अभियान है वो इस महीने के अंत तक चलने वाला है। हमारे साथ अजय केडिया जी बने हुए हैं। अजय जी, हम सारी कमोडिटीज के बारे में तो फोकस कर ही रहे हैं लेकिन रुपया जो कि एक प्राइम फैक्टर है जिसको भी हमें कंसिडर करके चलना चाहिए जब जब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं, काफी समय से स्ट्रेंथ दिख रही है। कल 75.5 के भी नीचे हमने देखा इसे ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट 5 वीक हाइस के पास, आज क्या रणनीति अपना सकते हैं? लेकिन यार जी 2-3 दिनों में हमने जो तेजी देखी रुपए में उसमें हमने देखा कि जैसे FIs का भी फ्लो है, RBI भी इस पे कंसर्न है, बट कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो है वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि बजट में हमने देखा था कि 70-75 के आसपास का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे और इस वक्त भी अगर हम ब्रांड की बात करें तो 108-109 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पिंच रुपए का लगता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है मार्केट 75-50 का जो रेंज है ये काफी अच्छा कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ से थोड़ा मीडियम टर्म के लिए लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 76-20 का, बट आज भी मार्केट में एक बाउंस दिखा सकता है। अजय जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ना सिर्फ करेंसी बल्कि पूरे कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, देखते किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। तो आज मॉर्गन स्टैनली बजाज फाइनेंस पर इनका आउटलुक ओवरवेट है, टारगेट 8,750 का इन्होंने रखा है। वहीं CLSA हालांकि बजाज फाइनेंस पर बिकवाली की रिकमेंडेशन है और इन्होंने 6,500 का टारगेट दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।